हेलो व्यूवर्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस हमारे यूट्यूब चैनल में। अभी तक हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब लें, कर लें। पिछला वीडियो में हम लोग कैटेगरी में डेटा डंप कर दिए थे और प्रोडक्ट कार्ड्स में डेटा हम लोग यहाँ पे डंप कर चुके हैं टोटली बैकेंड से फैच करके, जो यहाँ पे दिख पा रहा है बैकेंड से डेटा को फैच करके हम यहाँ पे डंप कर रहे हैं गाइस। तो आप ये देख रहे हैं डेटा वगैरह हम सारा को सक्सेसफुली डंप कर लेंगे। जो फोटो हमारा दिख रहा है इमेज, प्रोडक्ट इमेज, वो अभी तक स्टैटिक ही है, तो इसको आज हम लोग डायनेमिक करेंगे। तो उसके लिए हम लोग पिछला वीडियो में डिस्कस किए थे कि जो भी हमारा दिख रहा है बैकेंड में, तो बैकेंड का हम API नहीं बनाए थे प्रोडक्ट को, प्रोडक्ट इमेज को गेट करने के लिए। तो आज वही उसी में हम लोग काम करेंगे गाइस। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज वो हम बनाने के लिए। तो सबसे नीचे आ जाते हैं, उससे पहले हम इसको बड़ा कर लेते हैं और बड़ा करने के बाद जो हम बनाएंगे उसका हम नाम वगैरह सही से कर लेते हैं। तो इसको होगा हमारा पब्लिक पब्लिक, इसको हम थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं और ये राइट, ताकि आपको लोग को अच्छा से विजिबिलिटी हो। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक और जो होगा रिटर्न टाइप उसको void turn load, एक सेकेंड, devo download image, और इस इमेज को डाउनलोड करना है राइट। तो इस इमेज को डाउनलोड करने के लिए हम लोग आज API बनाएंगे और उस API में जो भी होगा हमारा वो पाथ वेरिएबल से हम क्या कर लेंगे, @ पाथ वेरिएबल। तो पाथ वेरिएबल इंट से हम प्रोडक्ट ID को गेट करेंगे और HTTP सर्वलेट है जो हमारा HTTP सर्वलेट। तो यहाँ पे हमारा ये HTTP सर्वलेट रिस्पॉन्स करके हम बनाएंगे HTTP सर्वलेट, SERVLET सर्वलेट रिस्पॉन्स, ये जो दिख रहा है तो इसका हमारा रिस्पॉन्स नाम करेगा। सर्वलेट को पढ़ा है तो रिस्पॉन्स वो जान रहा होगा कि रिस्पॉन्स क्या होता है ठीक है। तो हमारा जो भी पाथ वेरिएबल में आ रहा होगा प्रोडक्ट आईडी, तो दिस डॉट प्रो, एक सेकेंड, दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस हम ऊपर में यूज कर रहे हैं ऑटो वायर करके, तो प्रोडक्ट सर्विस ले लेंगे और प्रोडक्ट सर्विस के बाद गेट प्रोडक्ट बाय आईडी या गेट जो हमारा होगा मेथड गेट प्रोडक्ट बाय आईडी होगा, कुछ भी हमारा फाइंड प्रोडक्ट है गेट से मेथड ही नहीं दिख रहा, तो वो मेथड को हमें याद नहीं रहा है, व्यू प्रोडक्ट बाय आईडी जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट आईडी हम दे देंगे राइट। और फिर हमारे पास वो प्रोडक्ट यहाँ पे मिल जाएगा जो कि वो प्रोडक्ट हम देंगे। तो हम यहाँ पे ऐसे करके प्रोडक्ट को गेट कर लेंगे। प्रोडक्ट को गेट करने के बाद हम क्या करेंगे कि प्रोडक्ट का इमेज नेम गेट करेंगे ठीक है। तो प्रोडक्ट डॉट गेट इमेज नेम, और इमेज नेम हमारा यहाँ पे आ जाएगा और इमेज नेम जो होगा आपका वो क्या होगा, स्ट्रिंग होगा राइट। तो यहाँ पे Ctrl+1 करेंगे असाइन विथ लोकल वेरिएबल इमेज नेम। तो गाइस एक्चुअली हम सेव नहीं किए थे उसी वजह से एरर दे रहा था, अभी आप देख पा रहे हो तो मीन्स हम इसको ये नहीं किए थे इसी वजह से एरर दे रहा था राइट। अभी ये वेरिएबल को फुल को यूज नहीं किया इसलिए एरर दे रहा है। तो बस आप जैसे ही स्ट्रिंग इक्वल टू लिख दोगे तो ये इमेज जो स्ट्रिंग में बन जाएगा, स्ट्रिंग के साथ फाइल सेपरेटर को कॉन्केट कर लेगा, और अब जब तक हम नहीं लिखे थे तब तक वो नहीं कर पा रहा था जिसके वजह से एरर दे रहा था। जैसे आप देख पा रहे होगे कि अभी भी एरर वही चीज़ दे रहा है, लेकिन जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसके बाद एरर विल बी गॉन। तो नाउ वी विल प्रोसीड नेक्स्ट। तो ये जो हमारा होगा वो फुल पाथ होगा इमेज का राइट। जब इमेज का हमारे पास फुल पाथ मिल चुका है तो हम यहाँ पे दिस डॉट फाइल अपलोड में जो है उससे हम क्या कर लेंगे, गेट रिसोर्स, फाइल अपलोड में हमारे पास गेट रिसोर्स नाम का नहीं है तो वहां पे भी हमारा बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखें तो फाइल अपलोड यहाँ पे आ जाएंगे और फाइल अपलोड में डिक्लेरेशन टाइप में, तो यहाँ पे अपलोड इमेज है राइट। तो यहाँ पे आके हमें एक और मेथड यूज बनाना पड़ेगा फॉर गेट इमेज, तो इसको स्टार्ट करते हैं बनाना।
बेसिकली हमारा यहाँ पे रहेगा वो गेट इमेज के लिए हम लिखेंगे यहाँ पे, और जो आपको दिखने वाला प्रॉब्लम है वो उससे तो सॉल्व वो भी करना पड़ता है ना, तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद फिर पब्लिक, पब्लिक के बाद इनपुट स्ट्रीम हम इसमें रिटर्न टाइप ले लेंगे, एक सेकेंड, इन इनपुट स्ट्रीम, स्ट्रीम जो जावा आईओ से आ रहा होगा, और गेट रिसोर्स, राइट, गेट गेट रिसोर्स नाम का हम एक क्या बना लेंगे, फंक्शंस बना लेंगे। तो बस बेसिकली हमें लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट गेट मैसेज, उसके बाद फिर इनपुट स्ट्रीम, फिर डाइट सीट में हमारा क्या हो जाएगा, फोटो डाउनलोड हो जाएगा। और फिर इसके लिए हमको यूआरएल बनाना होगा, तो इसको बना लेते हैं। तो चलिए यूआरएल इसका बना लेते हैं। यूआरएल जो हमारा होगा वो गेट गेट मैपिंग का होगा, और इसमें आपको बेसिकली प्रोडक्ट्स तो ऊपर में होगा ही यहाँ पे, अब देख पा रहे हो प्रोडक्ट्स, तो प्रोडक्ट्स लगाने का जो तो है नहीं, तो बस बेसिकली हम यहाँ पे स्लाइस इमेजेज और स्लाइस जो कि होगा इसको हम सेम चीज को यहाँ पे लिख देंगे। तो चलिए यूआरएल ही बना लिए। अब यहाँ पे जो ये रिस्पॉन्स आ रहा होगा इसको हमको सेट करना पड़ेगा, एक्चुअली अभी तो ये डैट फोटो ही है, तो फोटो को हमको सेट करना पड़ेगा, किस पे, रिस्पॉन्स पे सेट करना पड़ेगा। तो चलिए वो कर लेते हैं, उसके बाद हमारा वो चीज खत्म हो जाएगा। गेट रिसोर्स वगैरह कर लिए हैं, तो जो सर्वलेट हम यहाँ पे रिस्पॉन्स का जो ये ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इस रिस्पॉन्स को हम इस पे सेट करना बहुत जरूरी है। तो डॉट सेट, और सेट क्या करेंगे हम, सेट कंटेंट टाइप, कंटेंट टाइप, और कंटेंट टाइप में हमारा क्या होगा, जो भी मीडिया टाइप जो है हम यूज कर रहे हैं वो यहाँ पे ले लेंगे, नॉट फुल पाथ, और यहाँ पे हम लिखेंगे मीडिया में मीडिया टाइप, ये चीज अब देख रहे हैं मीडिया टाइप बहुत जगह से आ रहा है, तो वो कहाँ से हम लें, तो यहाँ पे जो हम मीडिया टाइप लेंगे वो HTTP से लेंगे, राइट। तो मीडिया टाइप डॉट HTTP ये वाला चीज से लेंगे इनपुट डॉट। अब यहाँ पे हमको JPG वाला चाहिए, इमेज डॉट JPG वैल्यू, तो यहाँ पे हमारा ये JPG चाहिए, और JPG ये रिस्पॉन्स में हम इसको सेट कर दिए। उसके बाद बेसिकली जो रिस्पॉन्स में सेट किए हैं, तो हमको आउटपुट स्ट्रीम एक ले लेना पड़ेगा, आउटपुट आउट आउटपुट स्ट्रीम जो जावा डॉट आईओ से आ रहा होगा, आउटपुट स्ट्रीम, ठीक है, जो कि ये होगा हमारा आउटपुट स्ट्रीम। इसका जो ऑब्जेक्ट रेफरेंस का नाम लिखेंगे आउटपुट STREAM इक्वल टू, जो आउटपुट स्ट्रीम हमारा होगा वो रिस्पॉन्स डॉट गेट आउटपुट स्ट्रीम, और ये सेमी कॉलम, तो आउटपुट स्पीड को वो गेट कर लेंगे। अब इसको यूटिलिटीज को हमें डालना पड़ेगा, तो स्ट्रीम स्ट्रीम एक सेकेंड, स्ट्रीम STREAM स्ट्रीम डॉट कॉपी, एक सेकेंड, COPY कॉपी एक मेथड मिल जाएगा, लेकिन आप स्ट्रीम यूटिलिटी यूज करना है भाई, स्ट्रीम यूटिलिटी। तो स्ट्रीम यूटिलिटी जो आ रहा होगा वो ये भी बहुत चीज से आ रहा है, तो ये जो हम स्ट्रीम यूटिलिटी लेंगे वो आपका यूटिलिटी पैकेज से होना चाहिए, तो आपको ये JDBC ये यूटिलिटी, राइट, तो इससे हम ले लेंगे डॉट यूटिलिटी के बाद जो होगा डॉट कॉपी, कॉपी नहीं सजेस्ट कर रहा है क्यों, डॉट COPY, तो एक्चुअली हमारे पास यहाँ से लेना है, हमने यहाँ से ले लिया था, इसलिए आपको उसके अंदर कॉपी मेथड नहीं दिख रहा था, तो ये आप स्प्रिंग फ्रेमवर्क यूटिलिटी से लोगे,
डॉट इसके अंदर आपको कॉपी मिलेगा, तो थोड़ा सा मिस्टेक हो सकता है, दुर्घटना नाम सेम और यहाँ पे स्ट्रीम वगैरह का ये नाम वगैरह सेम रहेगा, तो कॉपी मेथड में अभी भी कोई दिक्कत है। तो ये तो द मेथड कॉपी बाइट वगैरह, हाँ कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बेसिकली अब हमारे पास मेथड, आप कृपया ध्यान से देखे थोड़ा सा लेना पड़ता है, अगर थोड़ा सा भी यहाँ पे ध्यान नहीं हुआ तो फिर बहुत सारा एरर को देखने को संभावना मिल सकता है। तो ये जो रिस्पॉन्स हमने यहाँ पे सेट किया है इस रिस्पॉन्स में, वो रिस्पॉन्स को हम यहाँ पे पास कर देंगे इस रिस्पॉन्स को, राइट। तो ये जैसे पास करेंगे वैसे एरर हट जाएगा, रिस्पॉन्स में जो आउटपुट यहाँ पे रहेगा। तो ये क्या कर देगा, जो भी यूटिलिटी यहाँ पे जो भी है उसको कॉपी करके इस यूटिलिटी में ला देगा, राइट। और लाने के बाद स्ट्रीम यूटिलिटी कॉपी करके, ये बेसिकली बस इतना सा हमें करना है और हमारा कोड अभी रेडी है। अब बारी आ गया टेस्टिंग का, तो पहले टेस्टिंग करने के लिए हम इसको रन कर लेंगे, और रन करने के बाद पोस्टमैन में आ जाएंगे। पोस्टमैन में आने के बाद अपलोड वाला जो है उसको पहले देख लेंगे हम। तो उसके लिए प्रोडक्ट में आ जाएंगे, प्रोडक्ट में आने के बाद अपलोड इमेज है, और जबकि प्रोडक्ट आईडी हम 2 ले लेंगे, और राइट। और इमेज को अपलोड कैसे कर पा रहे हैं, यहाँ पे आप बेसिकली आप सेलेक्ट कर लो बॉडी, और बॉडी में सेलेक्ट करना फॉर्म डेटा, और जो हम नेम दे रहे हैं यहाँ पे इमेज अपलोड करने टाइम, वो आपका इमेज ये फिक्स होना चाहिए, अगर ये नहीं रहेगा तो एरर आएगा। और आप ऐसे करके इमेज को ले सकते हो, जैसे हम यहाँ पे इमेज को सेलेक्ट किए और ये किए, राइट। तो अनऑथराइज एक्सेस आ रहा है, तो उसके लिए आपको चाहिए लॉगिन, तो आप लॉगिन भी कर लो यहाँ पे। लॉगिन करने से पहले हम क्या करेंगे, सारा टैब को क्लोज कर देंगे, क्लोज ऑल टैब, क्लोज ऑल टैब्स, राइट। एक लॉगिन हम रख लेंगे और एक अपलोड इमेज रख लेंगे, एक सेकेंड, लॉगिन, अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे भी खुलेगा तो अच्छा ही है। तो ये हम इसको कॉपी कर लेंगे यूआरएल को, और कॉपी करने के बाद गेट प्रोडक्ट है, गेट प्रोडक्ट में नहीं यहाँ पे हमें जाना, भी देखें गेट प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे। अब हमें अपलोड इमेज पे जाना है, अपलोड इमेज पे जाने से पहले ऑथराइजेशन बियरर टोकन, और यहाँ के आके पेस्ट, पेस्ट करने के बाद आप आ जाओ बॉडी में, और बॉडी में आने के बाद बेसिकली आप यहाँ से सेंड करो, तब देख पा रहे इमेज चल गया। अब इमेज को गेट करने के लिए हमें एक सर्विस बनाना पड़ेगा यहीं पे, तो यहाँ आ जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड सर्विस, और जो होगा वो हमारा बेसिकली यहाँ पे स्लैश प्रोडक्ट, इसको आप ले ही लो, जैसे पहले लोकल होस्ट, एक सेकेंड, लोकल होस्ट, और फिर ऑथ के बाद स्लैश प्रोडक्ट और स्लैश, उसके बाद आप सीधा नीचे की ओर आओ और ये वाला यूआरएल को कॉपी कर लो, राइट। ये यूआरएल को कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर दो, यहाँ इमेज आईडी, अभी जो हम इमेज अपलोड किए थे उसके लिए आप आईडी 2 यहाँ पे पुट कर लो, और 2 पे आप कंसोल पे एरर वगैरह आ गया है। बेसिकली प्रोजेक्ट को फिर से रन करेंगे, और इसको अब सारा काम हो चुका है हमारा, तो देखेंगे एरर वगैरह क्या आ रहा है, डेट सीट। तो फिर से अब हम सेंड रिक्वेस्ट करेंगे, तो कुड नॉट फाउंड, कुड नॉट सेंड रिक्वेस्ट, कुछ ऐसा आ रहा है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ तो एरर नहीं है, तो रिक्वेस्ट को क्यों नहीं भेज सकते हो भाई। तो बेसिकली ये एरर आ रहा है क्यों, लोकल होस्ट वगैरह वगैरह वगैरह, तो इसका जो दे देते हैं डाउनलोड इमेज नाम करके, DOW डाउनलोड इमेज, राइट, ऐसा नाम रहेगा यहाँ पे, तो शायद आ जाए। इससे पहले हम यहाँ पे अपलोड इमेज वाला को कॉपी करेंगे, राइट, और डाउनलोड इमेज में जाके पेस्ट करेंगे, और ये सिर्फ जो प्रोडक्ट है उसको 2 बार
हमने यूज किया इस प्रोडक्ट को हटा देंगे। अब अनऑथराइज एक्सेस आ रहा है, तो एक बार और हम इसको लॉग इन कर लेंगे। लॉग इन करने के बाद कॉपी करेंगे, गेट डाउनलोड इमेज पे जाएंगे, ऑथराइजेशंस पे जाएंगे, और फिर आप बियरर टोकन पे जाओ। खैर इसको तो पब्लिक कर ही देंगे, लेकिन अभी टेस्टिंग के लिए। तब देख पा रहे इमेज हम गेट कर पा रहे हैं, तो हमारा स्क्रीन में अभी इमेज आ रहा है जो कि ओके स्टेटस वगैरह है, राइट। तो प्रोडक्ट टू के लिए हम लोग ने इमेज बना लिया। अब हम यहाँ पे आएंगे और जो भी इमेज वाला टैग है उसमें हम डायरेक्टली यहाँ पे यही चीज कर रहे होंगे, जो इमेज 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 SRC राइट यहाँ पे है। तो इस SRC में हम प्रोडक्ट ID को पास कर देंगे और इमेज यहाँ पे हमको गेट हो जाएगा और दिखा देंगे। तो यही इसी वाले चीज को हम पूरे को कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद SRC में पेस्ट करेंगे, राइट। तो इसके लिए थोड़ा सा तो हम यहाँ पे आ जाएंगे, और आने के बाद आप सबसे पहले बेस URL को इंपोर्ट कर लो। तो इंपोर्ट बेस URL, हम कहीं पे यूज कर रहे हैं इसको, तो BASE और URL, ये नो सजेस्ट दे रहा है बेस URL कहाँ पे यूज कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो आप देख पा रहे होंगे जो कि बेस URL हम यूज कर रहे हैं वो फ्रॉम जो सर्वलेट एक्सियोस हेल्पर में यूज कर रहे हैं, राइट। तो आपको कुछ ऐसा लिखना होगा, शायद इसी वाले से ये सजेस्ट नहीं कर रहा है बेस URL, URL फॉर्म, और जो फॉर्म हम गेट कर पा रहे होंगे वो आपका होगा //, ये कंपोनेंट्स में भी नहीं, ये हमारा बाहर और बाहर आना पड़ेगा। तो फिर से हमें सर्विस पे जाना पड़ेगा, लेकिन सर्विस यहाँ हमें दिख नहीं रहा है, तो कोई बात नहीं। अभी हम प्रोडक्ट में हैं, प्रोडक्ट के कंपोनेंट्स के अंदर जाएंगे, कंपोनेंट्स के अंदर आपको सर्विस मिलेगा, फिर सर्विस के अंदर आपको एक्जियोस हेल्पर मिलेगा, यहाँ पे आपको बेस URL मिलेगा। एक एरर है कि बेस URL इसको मिला ही नहीं एक्जियोस हेल्पर में। तो लेट्स चेक सर्विस में एक्जियोस हेल्पर में बेस URL का स्पेलिंग थोड़ा सा डिफर है, तो इसी चीज को हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। एरर विल बी नॉट गॉन, एरर गया नहीं है अभी हमारा। तो एरर हम यहाँ से देखेंगे तो ज़्यादा ही बेटर दिखेगा। तो ये एरर आपको दिख रहा है एक्चुअली यहाँ से, राइट। अब यहाँ पे देखें तो एरर खत्म हो गया, और इमेज लोडिंग यहाँ पे दिख रहा है क्योंकि लोडिंग इससे दिख रहा है। तो बस बेसिकली हमें इतना सा करना था, और अब हम क्या करेंगे URL से गेट करेंगे, राइट। तो जो बेस URL हम उसको इंपोर्ट किए हैं बेस URL, इसमें हम क्या करेंगे कि कॉन्केनेट करेंगे, और उससे पहले हम एक कॉलन लगा लेंगे, राइट। एक कॉलन लगाने के बाद जो भी हमारा URL है बेस URL के बाद, यहाँ पे ये प्रोडक्ट ID वगैरह भी यहाँ पे हम ले लेंगे, और अभी हम ID ऐसे दे देंगे। तो अब देख पा रहे होंगे जैसे हम ID को ये किए, अब फिर हमें करना क्या होगा कि प्रोडक्ट ID यहाँ पे हमें चाहिए, राइट। तो इसके जगह पे हम एक सेकेंड यहाँ पे हमें आना पड़ेगा, इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं गाइज यहाँ पे, और फिर प्लस प्लस आए, और प्लस आने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट, एक सेकेंड मुझे दें, प्रो
डक्ट्स ही लिए ना ऊपर में। हाँ प्रोडक्ट्स डॉट प्रोडक्ट्स आईडी, यही चीज को हम चिपका क्यों ना देते हैं यहाँ पे। तो अभी पे अभी आपका यूआरएल ये काम नहीं करेगा क्योंकि वो यूआरएल पब्लिक नहीं है। अब यहाँ पे आए तो इमेज लोडिंग और 401 आ रहा है, फॉरबिडन आ रहा है। तो इसको हम आते हैं अपना एक्जियोस पे और फिर जो हमारा है प्रोडक्ट स्लाइस प्रोडक्ट वाला चीज, जब भी प्रोडक्ट इमेज जो रहेगा उसको हमको यहाँ पे आके पब्लिक बना देते हैं। तो इस यूआरएल को आके हम पब्लिक बनाते हैं। जो यूआरएल हमारा है पहले प्रोडक्ट कंट्रोलर में आ जाओ और प्रोडक्ट कंट्रोलर में स्लाइस ये ले लो राइट। ये लेने के बाद आप यहाँ पेस्ट कर दो और फिर से प्रोडक्ट कंट्रोलर में आ जाओ। प्रोडक्ट कंट्रोलर में आने के बाद आपको लास्ट में दिख रहा होगा ये, एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, हाँ लास्ट में आपको ये दिख रहा होगा। फिर प्रोडक्ट सर्विस में आओ और स्लाइस और ये चीज़ दे दो। तो बड़ा अजीब वो गरीबो ढंग से दिख रहा है, इस चीज को मुझे हटाना पड़ेगा और इमेजेस के बाद लगाना पड़ेगा। और एक और डेट शीट और यहाँ पे स्टार स्टार मार्क देना पड़ेगा। अब इसको रीरन करते हैं एप्लीकेशन को। तो रीरन करने के बाद आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे अगर हम गेट करने की कोशिश करें तो एक में इमेज आ गया सक्सेसफुली, इमेज भी लोड हो पा रहा है बट इसमें इमेज लोड नहीं हो रहा है। तो इसमें इमेज लोड नहीं होने का कारण कुछ और नहीं, इसमें इमेज ही नहीं है। तो अपलोड इमेज में जाएंगे हम, सबसे पहले यहाँ पे अपलोड इमेज में जाएंगे और जो प्रोडक्ट आईडी आपका कितना है 7 है, इस प्रोडक्ट आईडी 7 को लेके हम बेसिकली एक इमेज को अपलोड कर लेंगे। तो ये इमेज थोड़ा सा प्राइवेट शॉर्ट्स वाला, इसको हम अपलोड कर लेते हैं और सेलेक्ट सक्सेसफुली हमारा इमेज भी अपलोड हो चुका है। अब हम अगर यहाँ पे गेट करें तो दोनों में इमेज सक्सेसफुली गाइज दिख रहा है। तो फ्रेंड आज का वीडियो हम लोग सीखे हैं कि इमेज कैसे गेट कर रहे होंगे, इमेज का एपीआई कैसे बनाएंगे और साथ ही साथ में हम लोग अपना प्रोडक्ट में इमेज को कैसे सेट वगैरह कर पा रहे होंगे। कल का वीडियो में हम लोग देखेंगे जब भी प्रोडक्ट को हम शॉर्ट कैसे कर पा रहे होंगे बाई ये टीवी वगैरह, ठीक। जहाँ जब भी हम क्लिक करेंगे मोबाइल पे तो मोबाइल पे हो जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए। तो यही हम लोग कल देखेंगे।